किसान आक्रोशित हो गए, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। हम देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ी आई थी, एक मिनट ये पकड़ना था, रैम 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 स्पीकर बंद कर दे, मिर्चा मार दे, मेरा भरा।
हर हमारे की एकता दिखाने का टाइम है, हर किसान की एकता दिखाने का टाइम है, मजदूर की एकता दिखाने का टाइम है। और मुझे सोने सोने आगे बत्ती तेरे आगे, मुझे सोने सोने आगे बत्ती तेरे आगे। और नमक किसानों के हक में कानून बनाने चाहिए। हम किसी भी सुझाव को नहीं चाहते, किसानों को समझाना चाहते हैं। मोदी सरकार वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, फर्जी डिग्रियां हैं। हमारे पास पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हमारे साथ आह्वान किया है, ये बिल्कुल काले कानून है, किसानों के डेथ वारंट है। हम बिल्कुल भी इसकी सुनना नहीं चाहते, तीनों कानूनों को रद्द करें और किसान अपना आंदोलन वापस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंसानियत के नाते लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर किसी भी मंजिल तक जाना पड़े तो वहां जाने का। आज के दिन खट्टर साहब ने कहा था भी हरियाणा के लोग इस प्रदर्शन में नहीं है, पंजाब के हैं। उसकी आंखों पे जो कंजली आई है आज उतार देंगे उसकी, हम उसका दिखा देंगे भी ये हरियाणा का युवा है, हरियाणा का किसान है, हरियाणा का मजदूर है। इसलिए हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और उनको काली झंडी दिखाकर विरोध ही करना है, ना कि हमने कोई कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्वक। जेड़े मारा कत्ती पाए दे ना खट्टर ने पिपली जंदे वे और दिल्ली जंदे वे कंजा मोड़ना है अज, जेड़ी पानी की बछारा मारी थी डंडे मारे दे उसका नतीजा है काले झंडे दिखाना। सरकार का विरोध कर रहे हैं हम, कत्तियां के कवंजा मोड़ रहे हैं इसनू खट्टर नू। आप देख रहे हैं महिला के अग्रसेन चौक के ऊपर कृषि आंदोलन के चलते किसानों का आक्रोश सड़कों पर फूट रहा है। उसके अंदर सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन जिसमें मजदूर काम करते हैं, सारे के सारे किसान आंदोलन के अंदर पूरे जोर शोर के साथ समर्थन दे। किसी प्रकार से मैं अम्बाला जिला से शिवपुरी से मुजफ्फरपुर जिले की जितने भी मजदूर है, ग्रामीण चौकीदार, भवन निर्माण, बिल्डिंग, आंगनबाड़ी, रोडवेज, जितने भी लाखों कर्मचारी मजदूर हैं, सब इस किसान आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और जब तक सरकार अपनी बात किसानों मजदूर की नहीं सुनेगी, जब तक ये बिल पास नहीं होगा, हम एकजुट रहेंगे और इस संघर्ष को लड़ेंगे और जीतेंगे। किसान एकता, किसान एकता, मजदूर छब्बीस जनवरी नु ना परेड होगी तो ट्रैक्टर की होगी, फिर यार मोदी उससे पहला नबेड़ दे किसानों का आक्रोश है। भगत सिंह के वंशज है, वो दिल्ली के अंदर भी सबसे आगे है, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में और अम्बाला में भी सबसे
जहाँ किसानों का पसीना बहेगा वहाँ अपने लहू बहाएंगे। अम्बाला सिटी अग्रसेन चौक पर किसानों द्वारा लगाया गया जाम कृषि कानूनों के विरोध में उतरे हैं किसान और सड़कों पर। अम्बाला हिसार रोड अग्रसेन चौक समेत पूरी तरह से जाम किया है। किसानों की बार बार एक ही मांग है कि काले कानून वापस लो। अम्बाला सिटी के अग्रसेन चौक पे अम्बाला हिसार रोड किसानों द्वारा पूरी तरह जाम।
आप देख रहे हैं किसान बैरिकेड तोड़ के भाग गए हैं। बीजेपी के झंडे देखे अब उठा के फेंके जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लगाया गया बैरिकेड तोड़ते हुए किसान अंदर घुस गए हैं। आप देख रहे हैं भी करता हूँ जनाब। मैं वहीं पे हूँ, जरा मैं बाद में बात करता हूँ। इन्होंने मैं बाद में बात करता हूँ। इन्होंने जो प्रोग्राम देना कट्टर के जो टाइमिंग वो रिड्यूस कर दिया, टाइम बदल दिए। यहाँ तो टाइम आने का 3 बजे था, सवेरे कर दिया, टाइम बदल दिए। पंगा होगा जी, आज पंगा होगा। आप मैं जाऊँ कभी काम आना। Thank you.
ऐसे रखना लाइक कर रहा है। मनोज जी अम्बाला के अग्रसेन चौक पर किसानों द्वारा लगाया गया महाजाम। अब देख रहे हैं बीजेपी के झंडे भी उतर। किसान आक्रोशित होकर गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। हम देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ी आई थी। एक मिनट ये पकड़ना था। रैन रैन रैन
अब बने रहिए हमारा मिल के साथ, हम आपको आगे का पल पल का हाल बताते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, बीच में लौट के दोबारा मिलते हैं।